माय नेम इज जेड एंड यू आर वाचिंग जेड ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सभी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आई एम श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो, हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो आप कभी भी यहाँ पर मिस नहीं कर पाएं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जहाँ पर मैंने एक दो बार पहले वीडियो भी बनाया था अबाउट ईएमए का, कि यहाँ पर ईएमए लगाया मैंने 9.2150 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड इसने यहाँ पर सिग्नल दिया है, जो यहाँ पर ये लाइंस है थोड़ा सा ब्रेकआउट करके बता देता हूँ आपको। इसके अंदर जो यह लाइन है, सबसे पहले तो हमारे जो येलो वाला है, उसके बाद में ग्रीन वाला है, उसके बाद में यह है पिंक वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड ग्रीन ने येलो को यहाँ पर बुलिश टाइप से यहाँ पर इसको कट किया है, और अराउंड यहाँ पर वापस आप चल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसको वापस यहाँ पर ये क्रॉस करने वाला है। अगर आप यहाँ पर जूम करके देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइन ने येलो को तो क्रॉस कर दिया, अब इसकी बारी है जो 50 वाला ईएमए इंडिकेटर है इसको अगर क्रॉस करता है तो और भी हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारा जो ग्राफ है इस प्रकार से स्टेबल चलेगा, मतलब ऊपर नीचे इस प्रकार से स्टेबल लगातार चलता रहेगा। इसके बारे में कुछ खबरें हैं वो भी जान लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, एमएसडी अगर लगा के बताऊँ तो यहाँ पर भी वही पैटर्न हमें मिल रहा है कि ग्राफ और यहाँ पर बढ़ेगा। जैसा कि मैंने रात वाली वीडियो में कहा था अराउंड अगर यह इस वाली लाइन को यहाँ पर अगर टच कर देता है, इस वाली लाइन को अगर यह कट करके इसको ऊपर करके ऐसा निकल जाता है तो हमें उसके बाद में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा डंप नहीं हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 से 36,000 तक वापस आया और वापस 38,470, मतलब आधे से ज़्यादा तो यहाँ पर कवर भी हो गया और बिटकॉइन लगभग 1% प्रॉफिट में भी वापस आ गया। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि मार्केट नीचे चला गया या मार्केट डंप है। मार्केट डंप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, केवल अफवाहें फैलाई गई है। अमेजोन की जब न्यूज आई थी उसके बाद में जब अगर मैं ऑल्टकॉइंस की बात करूँ, मेरा फेवरेट अबाउट द मैटिक कॉइन, तो मैटिक कॉइन सुबह लगभग अराउंड 70 रुपए के आसपास चला गया था, अभी वापस 79 रुपए के आसपास मैंने अभी देखा है। इसके बाद में एक न्यूज और है, यहां पर कवर कर लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा, जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहां पर देख सकते हैं यहां पर कहा गया है बिटकॉइन लगातार 2 महीने से 30,000 से 40,000 वाले डॉलर में यहाँ पर घूम रहा था, और यहाँ पर मेन रेजिस्टेंट है इसका यहाँ पर 40,000 डॉलर का। इसको अगर यह पार कर लेता है और लगातार ऊपर बना रहता है एक थोड़े से समय के लिए, तो हमारा जो बेयर मार्केट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और बुल मार्केट वापस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में नीचे एक न्यूज और भी यहाँ पर दी गई है, वो भी आप आसानी से पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा गया है इफ़ बिटकॉइन इज एबल टू मेंटेन इट्स करंट मोमेंटम ली रेस्ट सेड एज मैनी एक्सपेक्ट बिटकॉइन कुड गेट ऑन the track with the stock to follow flow model and reach the 1,00,000 डॉलर मार्क बाय द ईयर एंड, मतलब एक साल के, ये जो हमारा साल है 2021 इसको एंड होने तक यहाँ पर आसानी से यह 75,00,000 तक भी जा सकता है। 64,000 डॉलर तो गया ही गया है, इसके बाद में 1,00,000 डॉलर जाने की भी पूरी आशंका इसमें बनी रही है। अगर यह इस प्रकार से न चले, मतलब अगर वापस 30,000 से 40,000 में बीच में घूमता रहा तो हमें थोड़ा सा धीरे मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर यह 40,000 से ऊपर वाली लाइन में फिक्स हो जाता है, मतलब 40,000 के ऊपर लगातार इस प्रकार ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमें काफ़ी अच्छे इस प्रकार से मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और अगर हमारा यह टारगेट होगा अराउंड 1,00,000 डॉलर का, अभी यह हमारा डॉलर वाला है अराउंड 40 से, तो 40 को अगर यह ब्रेक करता है, 40 को ब्रेक करके थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल आ गया, ऐसा भी चलने स्टार्ट होता है तो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा लास्ट में जाके। तो अभी कोई भी ऑल्टकॉइन हो आप आसानी से बेफिक्र जा सकते हैं, मैंने कुछ बता के रखे हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मैंने कमेंट देखे कि केवल 1-2 कॉइन्स को भी पकड़ के रखो या 5-10 कॉइन के बारे में बता दो, दूसरे बताओ, दूसरे की जरूरत कहाँ पड़ रही है। जब हमें एक ही धंधा है वही हमें प्रॉफिट दे रहा है तो जरूर थोड़ी है दूसरे में एक बार के लिए घुसें। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ICP हो गया और सोलाना हो गया, मैटिक हो गया, डोज कॉइन हो गया, और हमारे जो अभी मैंने NFT वाला वीडियो लगाया पूरा देख लीजिए, उसमें इससे जस्ट लास्ट वाली वीडियो उसमें भी पूरी तरह से बताया हुआ है $200 जाने की पूरी आशंकाएं हैं। और उसका नाम है अभी जो NFT में सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है एक्सेस वाला, वही है हमारा कॉइन, उसी पर मैंने भी लेकर रखा है अराउंड $35 वाली मैंने सीरीज ली है और $52 पर अभी गया है। तो उस प्रकार से आप इंट्राडे भी उसमें कर सकते हैं। और बिटकॉइन का बात किया जाए तो लगातार बुलिश पैटर्न आई थिंक सो अब स्टार्ट हो जाएगा। अमेजोन का जो वापस डिक्लाइन का आया था उसका बहुत तगड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर देखा जाए तो जो अमेजोन का र्यूमर आया था उसके बाद में हमारा मार्केट है 12-13% मतलब पंप हुआ था, लेकिन डंपिंग कितनी हुई, मात्र 1-2%, तो हम यहाँ पर इसको डंप क्यों कहेंगे। तो ये होती है हमारी वीडियो अबाउट द बिटकॉइन एंड द चार्ट, कि बिटकॉइन अब बुलिश पैटर्न में है, 40,000 से ऊपर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए उसके बाद में लगातार हमें एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा अप ट्रेंड के रूप में। तो कोई भी कॉइन है अभी आसानी से जा सकते हैं, केवल ये सोचते रहेंगे कि और नीचे आएगा उसके चक्कर में बहुत तगड़ी डिप होती है वो हमारे मिस हो जाती है। मैटिक जब सुबह 72 पर गया था, 71 पर गया था, जिन्होंने भी बाय किया है अभी 80 पर आने वाला है आई थिंक सो, और 78 तो मैंने भी देखा है अभी जस्ट वीडियो से पहले मैंने 78 देखा है और बहुत तगड़ा यहाँ पर उसने मार्जिन दिया है। तो डेली का अगर
आपको इंट्राडे करना है तो भी यह जो कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया है वही इंट्राडे के लिए है, उनमें भी आप आसानी से जा सकते हैं। डोज कॉइन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैटिक बढ़िया रहेगा, WRX भी बढ़िया रहेगा, और ये जो NFT वाला कॉइन है सबसे बढ़िया, ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर रहने वाला है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द बिटकॉइन। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।